हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OPTCL अप्रेंटिस भर्ती 2020-21 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, OPTCL के अंतर्गत अप्रेंटिस पोस्ट के लिए भर्ती निकली है। इस पोस्ट के लिए 232 वैकेंसीज है। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसीज है। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, सिलेक्शन आपका किस बेस पर होगा, आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत निकली है। यहाँ पर पोस्ट है अप्रेंटिस। जी हाँ दोस्तों, अप्रेंटिस पोस्ट के लिए यह भर्ती निकली है। बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। ग्रेजुएट अप्रेंटिस पोस्ट के लिए डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी इस प्रकार है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 40 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 20 वैकेंसीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 वैकेंसीज है। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए 10 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए 5 वैकेंसीज है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस पोस्ट के लिए सैलरी आपको मिलने वाली है 9000 रुपये पर मंथ। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस पोस्ट के लिए डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी इस प्रकार है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 90 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए 40 वैकेंसीज है। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए 10 वैकेंसीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 6 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए 6 वैकेंसीज है। यहाँ पर डिप्लोमा अप्रेंटिस पोस्ट के लिए सैलरी आपको मिलने वाली है 8000 रुपये पर मंथ। अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में डिग्री का होना जरूरी है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। डिप्लोमा अप्रेंटिस पोस्ट के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होना जरूरी है। अगर बात की जाए एज की, एज लिमिट आपकी अप्रेंटिसशिप रूल के आधार पर होना जरूरी है। दोस्तों, सिलेक्शन आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, केवल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.mhrdnats.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, बात आती है इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। यहाँ पर सॉलिसिटेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी 6/1/2021 को। वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट और इंटरव्यू का आपका कंडक्ट होने वाला है 11/1/2021 से 13/1/2021 तक। जी हाँ दोस्तों, 11/1/2021 से 13/1/2021 तक आपका सिलेक्शन प्रोसेस के जो राउंड है वो कंडक्ट किए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 15/1/2021 को जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन करके इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।